तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफारी का लुत्फ उठाते नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने, सफारी का लुत्फ उठाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उनके असम दौरे का दूसरा दिन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की। देखिए, कल से ही 8 मार्च से 2 दिन के असम दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में बीती रात वो उन्होंने वहीं पर गुजारी। और आज देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथी पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ कई और लोग भी मौजूद हैं। कई परियोजनाओं की सौगात असम को मिलने जा रही है। 2 दिन का प्रधानमंत्री का असम दौरा, और उसके बाद देखिए अरुणाचल का रुख करेंगे प्रधानमंत्री। तो अपने अलहदा अंदाज में एक बार फिर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, और जंगल सफारी करते हुए हाथी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके उसी अटायर में जब वो नेशनल पार्क्स का दौरा करते हैं तो एक अलग ही अटायर में नजर आते हैं। और कुछ वैसा ही नजारा आज भी देखने को मिला जब असम के काजीरंगा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सफारी कर रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच वो सफारी कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम को कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज मिलने जा रही है। आज प्रधानमंत्री असम के बाद अरुणाचल पहुंचेंगे और फिर वापस असम का रुख करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, और इसी सिलसिले में इस बार वो पहुंचे हुए हैं असम कल से ही, और ऐसे में आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हाथी पर सवार होकर जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। देखिए, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और जो तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह की ये तस्वीरें हैं। काफी धुंध भी यहां पर नजर आ रही है। हाथी पर सवार होकर वो निकले हैं, जायजा ले रहे हैं किस तरह से आज जो है असम वासियों को भी कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, उसके बाद अरुणाचल जाएंगे वहां पर भी कई सौगात देंगे। और इसी सिलसिले में देखिए, कल 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वो पहुंचे असम में, और ऐसे में उन्होंने वहीं पर रात्रि विश्राम किया। आज सुबह की शुरुआत किस तरह से उन्होंने की है, जो पहली तस्वीर सामने आई है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले का ये नेशनल पार्क है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इस पार्क की अपनी अलग खासियत है, दूर दूर से पर्यटक यहां पर आते हैं, दुनिया से ही नहीं बल्कि दुनिया से देश के कई पर्यटक यहां पर आते हैं और दूर दूर से इस नेशनल पार्क में सफारी का लुत्फ उठाते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं असम को, कई करोड़ों की सौगात आज मिलने जा रही है, कई परियोजनाओं की शुरुआत आज से होने जा रही है। देखिए, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और इस पार्क की कई खासियतें हैं। 180 से ज्यादा बंगाल टाइगर्स का घर इसे कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें अलग अलग प्रजातियों के 1000 से ज्यादा जानवर रहते हैं, और पीएम मोदी जिस तरह से लगातार धुआंधार दौरे कर रहे हैं, और ऐसे में आज वो असम में मौजूद हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अलग ही अंदाज हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आता है, और हर तरह का एक्सपीरियंस लेते हुए भी वो नजर आते हैं। इस वक्त वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में है, यहाँ पर बड़ी सौगात वो यहाँ की जनता को देने वाले हैं। सौमित सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने एक अलग ही अंदाज में नजर आए और नेशनल पार्क पहुंचकर सफारी का लुत्फ उठाते नजर आए, क्या जानकारी? देखिए, ये जो असम सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा वो दावा कर रहे हैं कि शायद देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो काजीरंगा में आकर यहाँ पर नाइट स्टे किए। कल ही प्रधानमंत्री पहुंच चुके थे क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है असम में भी है, और इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले काजीरंगा में प्रधानमंत्री का जाना, और पहली बार प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, क्योंकि करीब दस सालों से प्रधानमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी कभी भी काजीरंगा नहीं पहुंचे, तो इस बार काजीरंगा पहुंचे और बहुत सुबह 5:30 बजे से इस प्रधानमंत्री काजीरंगा में घूम रहे थे, और यहाँ पर जो उन्होंने सफारी भी की।
आज इसके बाद उनका फिर यहाँ से वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश भी प्रदेश में भी उनका सरकारी कार्यक्रम है और फिर असम में लौट कर आएंगे। असम में जोरहाट में लाचित बर्फुकान का स्टैचू जो मुगलों के साथ लड़ाई कर किया और मुगल सेना को पराजित किए थे उनका एक स्टैचू प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। और ये जो काजीरंगा में प्रधानमंत्री का ये जो स्टे है असम के जो लोग हैं वो भी काफी वो भी नजर बनाए रखे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे हिमांता बिश्व शर्मा परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे कि जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो लेकिन कोई भी नाइट स्टे यहाँ पर नहीं किया। शायद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो आके रात को काजीरंगा में ही रुके और इतने सुबह वो गए वहां पर क्योंकि काजीरंगा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जंगल है और ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है प्रोटेक्टेड साइट भी है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का आना एक तो प्रधानमंत्री जो यहाँ पर सफारी का लुत्फ उठाए वो तो अलग बात है लेकिन बिल्कुल सौम्य तौर माना ये जा रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। देखिए किस तरह से वो यहाँ पर उन्होंने रात बिताई और अब जो है उनके जंगल सफारी की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ज़ी न्यूज़।